हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के क्लास में काउंटिंग फिगर देखेंगे। यूपी ट्रिपल एससी में आपका जो काउंटिंग फिगर है, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जानते हैं रीजनिंग में 50 होते हैं, ठीक, अगर 50 है चाहे 25 है, जो भी है नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर आपका क्वेश्चन 50 है तो उसमें आपका काउंटिंग फिगर से दो क्वेश्चन रहेगा। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कम किए जाते हैं किसी एग्जाम में तो उसमें काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन होगा। मतलब काउंटिंग फिगर कहीं भी यूपी ट्रिपल एससी छोड़ता नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपसे एक से एक एक या दो क्वेश्चन तो होगा ही होगा, कंपलसरी है, ठीक। तो उसके एक क्वेश्चन होंगे तो उसको कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन आते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो रिपीटेड कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक। और आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिक से सॉल्व होते हैं। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है जो बहुत लेंदी है, जिसे काउंट आप जनरल तरीके से नहीं कर सकते हो, तो जान लो उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक छिपा हुआ है। अगर आपको वो ट्रिक पता है तभी उस टाइम सेकंड में, उस कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज उसके स्किप कर देना, ठीक। तो उसी ट्रिक को मैं बताऊंगा कि कैसे आपको, अगर बहुत लेंदी है उसे आप गिन नहीं पा रहे हैं जनरल तरीके से, तो उसे शॉर्ट तरीके से कैसे गिनेंगे, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल, उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब कैसे हम आसानी से गिन सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन आपके होते हैं, आपके आंखों के थ्रू से कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपको गो थ्रू हुए होते हैं। तो उनको किसी तरह आपको देखना है कि कैसे उसमें आसानी तरीके से हम कौन से ट्रिक से, कौन से मेथड से उसको, उसका आंसर निकाल लें। तो अब इस काउंटिंग फिगर में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहला बनेगा नंबर ऑफ स्क्वायर से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कभी कभी आपको नंबर ऑफ लाइन भी पूछ दिया जाता है कि इस फिगर बनाने में टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने यूज किए गए हैं, और नंबर ऑफ ट्रायंगल, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। मैक्सिमम आपका जहां से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर वो होता है नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक। इसी से मैक्सिमम आपका क्वेश्चन, मैक्सिमम एग्जामों में आप देखे होंगे, मैक्सिमम पेपरों में आप एनालाइज करोगे तो आपको ट्रायंगल के और स्क्वायर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर में कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर में हम जब m इंटू m मैट्रिक्स की बात करें, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपके इक्वल हो, ठीक। सपोज जैसे ये फिगर है, एक दो एक दो, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, आपके बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां से स्टार्ट करना है, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर हो गया फोर, वन का स्क्वायर वन, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आ जाएगा फाइव। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, पांच। और वैसे भी हम इससे गिन सकते थे कि इसमें स्क्वायर कितने होंगे, एक दो तीन चार, एक बड़ा वाला पांच। तो ये एक छोटा फिगर था, आप जनरल तरीके से गिनते तभी भी पांच आता, आप गिन ले जाते। मगर जब यही फिगर आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तब आप कैसे बताओगे कि इसमें नंबर ऑफ, जनरल तरीके से गिनोगे तो आपका टाइम काफी ले जाएगा। जब काफी ले जाएगा तो इसीलिए ये बताया कि आप नीचे से इसको नंबर ऑफ, इसमें रो कितने हैं, वन टू थ्री आपके कॉलम है और थ्री रो हैं। तो आप क्या करोगे, यहां से बेस से वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर और थ्री का स्क्वायर, तो ये होगा नाइन, ये होगा चार और ये एक, ऐड कर दो नौ चार तेरह एक चौदह। ऐसे ही आपका अगर चार बाई चार की मैट्रिक्स हो अगर आपका चार बाई चार का मैट्रिक्स हो तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके, नंबर ऑफ स्क्वायर सॉरी,
नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, इसमें एक और जोड़ दो, चार का स्क्वायर 16, तो मतलब 14 में प्लस 16 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 1 1 2 1 3, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आपके 30 हो जाएंगे। तो ऐसे है, अगर आपका सिंपल फिगर है तो आप सिंपल तरीके से गिन ले रहे हो, जैसे कॉम्प्लेक्स फिगर होता जा रहा है तो ये तरीका आसानी से गिन दिया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे। तो ये m इंटू m मैट्रिक्स की बात हो गई, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके बराबर थे। अब हम बात करते हैं जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो तब क्या करेंगे। तब देखिए क्या करेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मैं दो मैट्रिक्स 3 की ले लेता हूं, 2×3 की मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारी, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर आपको बताना है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है 3 है और रो कितने हैं 2 हैं। तो इस केस में क्या करेंगे कि जो हमारा रो या कॉलम में से जो भी बड़ा होगा, जो भी नंबर बड़ा होगा उसे पहले लिख लेंगे, 3 बड़ा है लिख लिए, इनटू मल्टीप्लाई का साइन, उससे छोटी वाला छोटा वाला नंबर 2, देन प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद से इसमें से एक माइनस करेंगे 2, फिर इसे एक माइनस करके लिखेंगे तो क्या होगा यहां पे 1, फिर जैसे फिर प्लस लगाएंगे आगे बढ़ेंगे फिर से एक इससे माइनस करेंगे तो यहां हो जाएगा 1, और इसे जब एक माइनस करेंगे तो ये 0, तो इसका मतलब यहां से 0 आएगा, और इसे मल्टीप्लाई करके लिखना तो ये 6 और ये 2, तो टोटल प्लस ऐड कर दें तो नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने हो जाएंगे 8। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और कुछ इस टाइप का ले लेते हैं मैट्रिक्स 4×3 का, एक दो तीन, एक दो तीन चार, 4×3 का मैट्रिक्स है। अब इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें जो सबसे रो या कॉलम में से जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसे पहले लिख लेंगे, कौन सा बड़ा है 4, उसके बाद कौन सा बड़ा है 3, तो मल्टीप्लाई में करके 3 लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और दोनों डिजिट से माइनस करते जाएंगे तब तक जब तक 0 ना हो जाए। ये देखिए यहां से माइनस 1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसका माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस इससे माइनस 1 करेंगे तो 2, इससे माइनस 1 करेंगे तो 1, अब आगे जैसे जाएंगे तो यहां से तो माइनस करेंगे तो 1 होगा मगर ये वाला 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 12 6 और 2, 12 6 18 2 20, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर आपके कितने हो जाएंगे 20। तो आपको दो बता दिया, एक m इंटू m का बताया था पहले और ये m इंटू n का मैट्रिक्स हो गया, इसमें रो और कॉलम जो होंगे डिफरेंस डिफरेंस होंगे। ठीक, अब आते हैं हम अगले पे कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी तक स्क्वायर की बात की है, अब हम आयत की बात करेंगे कि आयत, नंबर ऑफ आयत, टोटल आयत की संख्या अगर पूछे आपसे कि क्या होगा किसी फिगर में तो वो कैसे निकालेंगे। सपोज करिए अभी हमारे पास जो आयत है ये कुछ इस टाइप का है, इसमें आपको आयत की संख्या बतानी है, ये छोटा एक फिगर है, इसमें आप आयत की संख्या बता दोगे कितनी होगी। इस आयत में आपसे अगर पूछे क्वेश्चन की आयत की संख्या बताइए, रेक्टेंगल की संख्या, तो इसमें जो हम गिनेंगे पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा आपका, टोटल पहले आपको निकालना होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे, चतुर्भुज कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल का मतलब इसमें जो समाहित होगा क्या क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर प्लस टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होगा ये टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, इस फिगर में अगर हम बताएं तो इसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों है और उसी को बोलेंगे कि हम इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे, कि हम चतुर्भुज की संख्या निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ चतुर्भुज होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें नंबरिंग कर देते हैं, जैसे 1 और 2, 1 और 2 नंबरिंग कर दिया, और इसको नंबरिंग जो करते हैं उसे प्लस कर लेते हैं, जैसे 1 और 2 प्लस कर दिए तो यहां से क्या आएगा 3,
और यहां पे प्लस कर दिए तो यहां से आएगा 3। तो इन जो दोनों का प्लस समेशन जो आता है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 9। तो टोटल नंबर ऑफ इसमें क्वाड्रिलेटरल ना कि रेक्टेंगल, टोटल नंबर ऑफ चतुर्भुज जो आपके आएंगे क्वाड्रिलेटरल आएंगे इस फिगर में आएगा 9। ठीक है, तो आपको अगर इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो इस फिगर में आप जानते हो m × m मैट्रिक्स है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 1² + 2² तो ये कितना होता है 5। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इस फिगर में 5 होता है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना है, आयत की संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5 को उधर ले जाएंगे तो 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो हम बोलेंगे इस फिगर में टोटल आयत की संख्या, सिर्फ आयत की संख्या 4 है और चतुर्भुज की संख्या, टोटल चतुर्भुज की संख्या कितनी है 9 है। अब यह फिगर चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थ्री बाय थ्री की मैट्रिक्स है ये, 1 2 3 1 2 3। अब इसमें नंबर ऑफ आपको पहला क्या काम, अगर रेक्टेंगल पूछा है तो पहले आपको नंबर ऑफ इसमें, नंबर ऑफ इसमें क्वाड्रिलेटरल निकालना होगा। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालेंगे, इन सबका सम जितना दिया 3 + 2 + 1, 3 × 2 = 5, 6, इधर भी ऐड कर देंगे तो 6 आएगा, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 36। तो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल की संख्या 36 आ गई। और इस फिगर में आप जानते हो जब 3 × 3 की मैट्रिक्स हो तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल मतलब इसमें क्या समाहित है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर और टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें आपका 1² 2² और 3² मतलब 9 × 4 = 13 और 1 = 14 स्क्वायर होते हैं। तो 36 में से हम जब 14 माइनस कर देंगे तो टोटल कितना बचेगा 22। तो ये 22 आपके नंबर ऑफ क्या होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे। ठीक, तो ये इस टाइप से आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, चाहे जैसा भी फिगर हो, चाहे m × m का मैट्रिक्स हो, चाहे m × n का मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो, इसमें हमेशा प्लस करके चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं m × n का, इसमें अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा तो इसे नंबरिंग कर दीजिए, इन्हें प्लस कर दीजिए, 3 × 2 = 5, 1 = 6 और इधर प्लस करेंगे तो 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 18। ये 18 आपका बताता है कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टोटल चतुर्भुज की संख्या कितनी है 18 है। अब इसमें मुझे अगर रेक्टेंगल की संख्या निकालना है तो इसमें से स्क्वायर को माइनस कर दें, तो इस फिगर में जब m × n का फिगर बनता है तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, आप देखे होंगे तो नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कैसे निकालेंगे, 3 × 2, ठीक, और यहां पे हो जाएगा 2 × 1, तो ये होगा 6 × 2, टोटल 8 होंगे इसमें, स्क्वायर की संख्या जो होगी 8 होगी, तो 18 में से 8 माइनस कर देंगे तो 10, ये 10 जो आएगा वो नंबर ऑफ रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो ये हो गया m × n। अगर दिया हो तो m × n में जो स्क्वायर आता था उस फिगर में उसको हम क्वाड्रिलेटरल में से माइनस कर देंगे। तो चलिए अब ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे फिगर में दिया रहेगा। तो अभी हम देख लिए स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में कि कैसे आपका अगर क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए तो आप कैसे निकालोगे। अब आते हैं चलिए ट्रायंगल में, आपका ये फिगर है, इसमें तो जानते हो एक ही ट्रायंगल दिख रहा है तो एक ही ट्रायंगल होगा। अब इसमें अगर कोई ट्रायंगल आपके बेस पे आके टच करता है किसी पॉइंट पे तो अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे कितने होंगे, तो आप जान रहे हो कि इसमें अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल देखना है तो एक ट्रायंगल तो ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये दूसरा वाला और तीसरा जो होगा वो बड़ा वाला, पूरा 3 ट्रायंगल होंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला फिगर मैं बनाऊं, एक इसमें कैसे ज्यादा होगा कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। ठीक, अभी जो था अब ये 3 आया तो इसका मतलब जो ये नंबरिंग किए इनको दोनों को जोड़ दें तो 3 आ जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट वही ट्रिक लगाना है आपको, बेसिक यही है, इसी से इसमें लगेगा। जैसे 1 2 जितने आपके पॉइंट कट हो रहे हैं बेस पे उतने हम नंबरिंग कर लेते हैं 3।
और तीन जितने हुए हैं उनको सम कर लेते हैं, 1 + 2 + 3, 3 × 2 = 5 = 6, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 6 होंगे, ये हमारा चल रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अगला आपका सेम इसी तरह फिगर हो, ढेर सारे पॉइंट आपके कट कर रहे हो बेस पे, तो आप अगर बेसिक तरीके से इसे गिनोगे तब तो गिनते रह जाओगे और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में होगा नहीं। तो आपको करना क्या है, जितने पॉइंट कट कर रहे हैं उनको नंबरिंग कर दो, 5, 6, और सबको सम कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 3, 3 × 3 = 6, 6 × 4 = 10, 10 × 5 = 15, 15 × 6 = 21, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अगर यही फिगर आपसे कुछ ऐसा हो, बेस पे आपके कट हो रहे हो और साथ ही साथ ऊपर और भी बेस बन गए हो, जैसे ये, ठीक, ये, ठीक, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे गिनेंगे, तो सेम वही प्रोसीजर है, जितने बेस होंगे उस पे काउंट करेंगे, आपका बेस है इसमें नंबर नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, वैसे ये दूसरा जो बेस है आपका ऊपर से इस पे भी नंबरिंग कर देंगे 5। ये देखिए यहाँ पे छुटके यहां से ये बेस गया है, तो इसकी नंबरिंग करेंगे यहां से 1, 2, 3, 4, तो इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिलेंगे, 4, 3, 7, 8, 1, 9, सबको सम कर देंगे, 4, 3, 7, 8, 1, 9, 1, 10 ट्रायंगल यहां से मिलेंगे। इस बेस पे कितने ट्रायंगल मिलेंगे, मिलेंगे आपको 3, 2, 5, 5, 10, 4, 14, 1, 15 ट्रायंगल यहां से मिलेंगे और सेम 15 ट्रायंगल इस बेस से मिलेंगे, तो 15, 15, 30 और 30, 10, 40, टोटल 45 नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल के कहां से क्वेश्चन आपके पूछते हैं। चलिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा फिगर हो, ठीक, इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 2 होंगे। अगर आप इसमें आपका ऐसे हो जाए डिवीजन, तो आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना हो इस फिगर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेंटर से जितनी आपको डिवीजन दिख रहा है उसकी नंबरिंग कर देना है, जैसे 1, 2, 3, 4, चारों की नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग करने के बाद जो आपका सबसे बड़ा होगा डिजिट उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 8 आ जाएगा, तो ये आपको बताएगा कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक, अगर यही फिगर कुछ ऐसा बन जाए आपके सामने और इसे थोड़ा सेंटर से और लाइनें पास कर जाए, तो बस आपको कुछ नहीं करना, जितने लाइनें पास करें, जितने डिवीजन बने हैं उसको फिर से नंबरिंग कर दीजिए, जैसे नंबरिंग कर रहे हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल नंबर 8 हो गए। इसमें हाईएस्ट डिजिट कौन सी है, 8 है, तो 8 × 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक, अब इसी सब जो फिगर है बेसिक इन्हीं सबको कंबाइन करके आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जैसे कभी कभी आपको एक क्वेश्चन ये मिला होगा एग्जाम में, दो फिगर ऐसे ही कंबाइन कर देता है, एक और इसमें पूछता है आपसे कि बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने होंगे, तो आप जानते हो कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, 8 है, तो जब इसमें 8 हैं तो इसका मतलब इस वाले फिगर में 8 होंगे, इस वाले फिगर में 8 होंगे, ठीक, ये टोटल हो गया 16। तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन में 16 देखे और 16 मार के चले आना, ठीक, ये 8 8 इन दोनों में इंडिविजुअल होंगे, मगर यहां पे हुआ क्या है कि दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। ठीक, दो फिगर हैं इनको कंबाइन कर दिया, तो कंबाइन जहां फिगर होता है ना, ठीक, कोई भी, चाहे कोई भी फिगर, दो फिगर कंबाइन हो रहे हैं वहां पे आपको देखना होता है, हो सकता है कि कंबाइन होते समय वहां पे आपको कोई एक नया फिगर मिल जाए, कोई ट्रायंगल मिल जाए। जैसे अगर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो जो नोड आपको कंबाइन कर रहा है, जो गांठ आपको इसको बना से बंध रही है, उस नोड पे आपको एक ट्रायंगल दिखेगा मिलता हुआ। जैसे मैं जो ये रेड पेन से जो कर रहा हूं,
मार्कर से ये देखिए, ये ट्रायंगल इन दोनों के मिलने से बन रहा है। ऐसे ये नीचे की तरफ मिला, ऐसे ये ऊपर की तरफ मिलेगा, तो दो ट्रायंगल आपको और मिलेगा, तो 8 8 16 प्लस दो और जो दो फिगर के कंबाइन होने से मिला है, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ जो होगा ट्रायंगल होगा वो 16 होगा। ऐसे ही फिगर एक और ऐसे इसी में बढ़ा दें हम, ये फिगर 3 का बना दें, इसमें आपसे पूछे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप जानो जहां पे फिगर कंबाइंड हो रहा है वहां पे आपको दो ट्रायंगल मिल रहा है। जैसे जो कंबाइंड नोड क्या है दो फिगर का, वो ये है, यहां पे इस नोड्स पे ये वाला फिगर और ये वाला फिगर कंबाइन हो रहा है, तो यहां मुझे दो ट्रायंगल मिलेगा, इसमें 8 तो मिलेगा, इसमें 8 मिलेगा, इसमें 8 मिलेगा, तो ये हमारे हो जाएंगे टोटल 24। उसके बाद से इस पे जो कंबाइन हो रहा है, इस पे एक मिला, इस पे एक मिला, इस पे एक मिला और इस पे एक मिला, तो टोटल ये कितना मिले, 4 और मिल गए, तो ये टोटल हो जाएंगे 28। तो इस वाले फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो होंगे वो 28 होंगे। ऐसे ही एक और फिगर देखते हैं, उसमें आपको बताना है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मिलके क्वेश्चन बनता है। ये आपका फिगर है, इसमें भी 3 है, ठीक है, और इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, ठीक है। अब इसमें आप जानते हो एक सिंगल फिगर में 8 होता है, तो इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, तो टोटल 24 तो यही हो गए, ठीक, जो सिंपल सिंपल होते हैं। मगर जहां दो फिगर कंबाइन हो रहे हैं वहां पे हमें मिलेगा एक फिगर, उसे देख लेते हैं वो कौन सा होगा, ठीक है। अब इसमें ये 16 सही बना लीजिए, क्योंकि जब तक सही नहीं बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं कौन सा ट्रायंगल एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस दो नोड पे दो ट्रायंगल आपके बनेंगे, दो नोड पे आपके दो ट्रायंगल बनेंगे, एक होगा यहां पे ये वाला ट्रायंगल और एक होगा यहां पे ये वाला ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल यहां पे मिले, ठीक, कंबाइन होने पे इन दोनों फिगर, और दो ट्रायंगल ऐसे ही यहां पे मिलेगा, एक यहां पे मिलेगा ये जो जा रहा है और एक ये, तो इस नोड पे दो मिला, एक यहां मिला, एक यहां मिला। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि क्या कोई और मिल रहा है, हाँ, एक और ट्रायंगल आपको मिलेगा, वो होगा इन तीनों फिगर के कंबाइन होने से एक ट्रायंगल मिलेगा, वो कौन सा होगा वो देख लीजिए, वो ट्रायंगल कुछ ये वाला होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल तीनों फिगर को मिला के जो बन रहा है, ठीक। तो अभी हम जब देखें, जब ऐसे थे तो दो नोड पे थे तो उन पे मिलता था, तो टोटल 24 था, तो एक 25, यहां पे दो 26 27 और यहां पे एक 28 और 28 एक बड़ा वाला, टोटल हो गया 29। तो नंबर ऑफ इसमें ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 29। और आगे बढ़ते हैं आपको और दिखाते हैं कि अगले वाले फिगर में सेम, इसमें अभी 3 था, अब इसी में हम 4 कर देते हैं, ठीक है। फिगर आपका कुछ ऐसा, चारों में हम क्रॉस लगा देते हैं और आपसे पूछते हैं कि भैया बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगलों की संख्या, मतलब त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब इसमें आपको करना है, तो आप जानते हो इसमें कि 4 4 के कंबाइन है, ठीक है, ये एक है जिसमें 8 मिलेगा, ये एक है जिसमें 8 मिलेगा, ये एक है 8 मिलेगा, इसमें 8 मिलेगा, ठीक। अब चाहे आप इसको ऐसे कर लो, या एक तरीका और है इसे करने का, यह है कि अगर हम अंदर वाला फिगर देखें, ये वाला फिगर देखें, तो इस फिगर में हम जितना सेंट्रल से लाइन जा रहा है उसकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक।
तो इसमें जो हाइएस्ट डिजिट है वो कितना होगा, 8, 8 दूनी 16, टोटल 16 अंदर वाले में आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। उसके बाद से आपके जो अभी तक मैंने आपको बताया कि ऐसा एक फिगर बनता है, इसमें तीन ट्रायंगल मिलते हैं, ठीक, तो इसी के जस्ट ऊपर इस पे ये वाला फिगर बन रहा है, ये वैसा ही फिगर बन रहा है, इस पे भी तीन मिलेंगे हमें ट्रायंगल, वैसे ही इसमें तीन मिलेंगे, ठीक, वैसे इसमें तीन मिलेंगे, इसमें तीन मिलेंगे, तो टोटल कितने होगा, 1, 2, 3, 4, तो 12 ट्रायंगल और मिले, ठीक। उसके बाद आपको ये होगा कि जब दोनों फिगर कंबाइन हो रहे हैं, जैसे कौन सा, एक ये वाला फिगर, ठीक, और एक ये ट्रायंगल, जब ये कंबाइन हो रहा है तब भी आपको कुछ ट्रायंगल मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ध्यान से देखिए, जो ये स्पाइरल में मैं बता रहा हूं, ये ट्रायंगल इन दोनों के कंबाइन होने से मिलेगा, मतलब एक ये एक ये, मतलब हर में दो मिलेगा, तो दो यहां, दो यहां, दो यहां और दो यहां, तो टोटल हो गए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 और मिले तो 16 प्लस 12, तो 12 और 8 20, 20 प्लस 16 ये हो जाएगा आपका टोटल 36। अंदर से पूरा का पूरा एक जो आपका बन रहा है स्क्वायर, उसमें सेंटर से जितनी लाइनें जा रही हैं उनको देख काउंट कर लीजिए और उसका डबल कर दीजिए, तो 16, 16 के बाद आपके हर उस पे तीन तीन मिलेंगे, तो 16 और 12 ये हो गए, और जहां ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो दो ये और ये कंबाइन होके एक, और ये कंबाइन होके एक, तो दो यहां से 4, 2, 6 और 2, 8, बाकी आपको जो ट्रायंगल हैं वो कौन से मिलेंगे, देखिए, और कोई हिडन ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है जो आपको मिले, हाँ आपको दिख रहा है, ये 36 ही नहीं होगा, आपको और दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, देखिए इस फिगर में अभी तक इनका था, अब ये पूरे फिगर में ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा एक, ठीक, ऐसे इधर वाला पोर्शन पूरा दो, ऐसे हम जब उल्टा चलेंगे तो और मिलेंगे आपको, तो टोटल इसमें हो जाएंगे 40, तो इसमें जो इसका आंसर होगा एग्जैक्ट, तो 40 नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। अभी तो इसमें हम गिनने में 36 आया, 36 तो जो एग्जैक्ट हमने गिन लिया, मगर 36 के बाद कुछ हिडन ऐसे ट्रायंगल बच रहे थे जो मुझे दिख नहीं रहे थे, जैसे ये बड़ा वाला एक, वैसे ही ये एक बड़ा वाला, इस बेस पे दो बड़े मिले तो इस बेस पे भी दो बड़े मिलेंगे, तो टोटल 4 होंगे, तो वही 4 जोड़ देंगे, तो ये 40 नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें आ जाएंगे। आगे और देखते हैं कुछ फिगर जिसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा, जैसे कैसे एक फिगर से कॉम्प्लेक्स फिगर बनता चला जाता है और आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल चला गया, अब आपसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो काउंट करके, काउंट करिए 1, 2, 3 और ये 4, तो आपका 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला, टोटल 5 ट्रायंगल हो गए, ठीक। अब ऐसे ही अगला फिगर मैं आपके सामने लेके आया हूं, इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, देन ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, अब इसमें आपको काउंट करना है तो कैसे करोगे, आप जानते हो कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल जाता है तो कितने ट्रायंगल देता है, टोटल 4 देता है, वैसे ही अगर इस ट्रायंगल के अंदर एक ये ट्रायंगल गया तो 4 देगा, और इसके अंदर ये गया तो कितना देगा, ये वाला भी छोटा वाला 4 देगा, ये वाला भी 4 देगा, तो हो गए 8, 8 के बाद एक बाहर वाला आपका बचा, तो वो हो जाएगा बड़ा वाला ट्रायंगल, टोटल 9, तो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हो जाएंगे, 9। आगे और एक चलते हैं फिगर देखते हैं, आपका कुछ फिगर ऐसे हो जाए और कॉम्प्लिकेटेड इसे बना दिया जाए, एक और अंदर ट्रायंगल लगा दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए कि भाई साहब इसमें बताइए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होते, बताइए इस छोटे से फिगर से धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड करते करते इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ गया, आपको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा ही फिगर आएगा, अगर आप नहीं जानते कि हर एक अंदर वाला ट्रायंगल 4 देता है तो आप गिनते रह जाओगे और क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं कि हर एक
अंदर जो जाता है वो चार ट्रायंगल देता है, तो इसके वजह से हमें चार मिलेगा, इसके वजह से चार मिलेगा, इसके वजह से चार मिलेगा और इसके वजह से चार मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, इससे चार, इससे चार, इससे चार, तो तीन है अंदर, एक दो तीन, तो चार तीन बारह, बारह ये और एक बड़ा वाला, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा तेरह। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो हमारा हो जाएगा इसमें तेरह हो जाएगा। और इसी फिगर में और कॉम्प्लिकेटेड करता है एग्जामिनर, क्या करेगा आपसे, अब इसमें ट्रायंगल वाला जो है अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल, फिर तीसरा, ये ट्रायंगल बनाया, उसके बाद से क्या करेगा आपका, कि यहां से एक कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, फिर यहां से कट किया, यहां से कट किया और यहां से कट किया। अब देखिए ये फिगर कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इस सिंपल फिगर से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गया। अभी तक हम निकाले जो कि इस फिगर में, जस्ट इसी फिगर में कॉम्प्लिकेशन हुआ, वो हुआ है क्या, यहां से कट किया, यहां से किया, यहां से किया, इस पे किया और इस पे किया। अभी तक इस फिगर में मुझे 13 नंबर ऑफ ट्रायंगल मिल रहे थे, अब इसमें गिनना है तो क्या करेंगे, फिर से यहां पे हम तीन नहीं काउंट करेंगे। देखिए यहां पे क्या हुआ, जब यहां से कट होगा, इस पे जब कट होगा तो हम एक बार तो इसे गिन चुके हैं, क्योंकि इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से चार ट्रायंगल मिले, तो इसमें एक बार ये बड़ा काउंट हो चुका है। तो जब काउंट हो चुका है तो जब यहां से अब ट्रायंगल इस पे पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा तो सिर्फ हमें दो ही ट्रायंगल मिलेगा, ना कि तीन। तीन तब होता है जब हम यहां से गिनते हैं, एक दो और एक बड़ा वाला, यहां पहले ही एक बार काउंट हो चुका है तो दो यहां मिलेगा, तो मतलब हम कहेंगे दो इस पे मिलेगा, दो इस पे मिलेगा और दो आपका यहां मिलेगा। ऐसे ही इस वाले पोर्शन पे दो मिलेगा, यहां दो मिलेगा और यहां दो मिलेगा। तो अब गिन लीजिए, छह यहां और छह अंदर है और छह बाहर है, तो टोटल हो गया बारह, और पहले था तेरह, तेरह प्लस बारह ये हो जाएगा पांच, और ये पच्चीस, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हो जाएंगे, पच्चीस हो जाएंगे। अब और आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन में, देखते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का पूछता है। चलिए क्वेश्चन है एक जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैक्सिमम क्वेश्चन ये पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो या तो इसे रट मारो, मैक्सिमम बार ये रिपीट होता है काउंटिंग फिगर में क्वेश्चन, कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तीनों का मीडियन जहां इंटरसेक्ट करता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप देखे होंगे, मैक्सिमम आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, हर बार कई बार रिपीटेड है। इसका जो आंसर होता है 16 होता है। अब वो 16 आता कैसे है, चलिए देख लेते हैं। पहले बेसिक तरीके से चलेंगे, इसको एक छोटा सा तोड़ेंगे, पहले इस पे करेंगे कि यहां से एक बेस पे बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट करने के बाद हम जानते हैं इसमें हमें तीन ट्रायंगल मिलते हैं, एक और दो और एक बड़ा वाला, बड़ा वाला काउंट हो गया, मतलब तीन एक बार यहां से मिल गया। उसके बाद जब यहां से एक आपका ड्रॉ होगा इस बेस के लिए, तो इस बेस पे भी हमें दो ट्रायंगल मिलेगा, ना कि तीन मिलेगा, क्योंकि हम एक बार बड़ा वाला काउंट कर चुके हैं, तो हमारा इस बेस पे इस पे तीन मिला, बड़ा वाला काउंट है, इस बेस पे इस पे दो मिलेगा, ऐसे इधर वाले पे भी दो मिलेगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा टोटल उस पे इसके वजह से। अब इसमें हम देखते हैं कि एक छोटा सा और ट्रायंगल बनेगा, जैसे ये वाला ट्रायंगल बन रहा है आपका जो रेड पेन से दिखाया जा रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल बना, इस पे भी इस यहां पे एक बेस कट कर रहा है, तो इसके लिए एक तीन बनेगा, इस ट्रायंगल के लिए एक दो और ये वाला पूरा बड़ा, तो तीन ये। वैसे ही इसमें इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में ये इस बेस पे इसके बेस पे कट कर रहा है, तो यहां तीन बनेगा और यहां तीन बनेगा, हूबहू वैसे। तो यहां हो गया पांच, पांच दस और छह सोलह, देखिए आपका आंसर आ गया 16। ये फिगर हमेशा आपसे पूछा गया है, SSC हो, UP SSC हो, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे कि उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ये है आपका, अभी आपसे मैंने पीछे बताया था कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, कैसे निकालेंगे। अब इसी में
ये एक फिगर है, इसी में और ट्रेंगल के फिगर कंबाइन कर दिए जाएंगे, जैसे कैसे फिगर को कॉम्प्लिकेट बनाता है एग्जाम यार, और आपको आप एग्जाम में जब मिलेगा तो आप इसे छोड़ के चल दोगे। अब इसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जब आपको ये एग्जाम में फिगर मिलेगा और पूछेगा भैया आप इसमें बताओ कि ट्रेंगल गिन के बताओ, अब ट्रेंगल गिनने लगोगे तो पेपर में इसी को करते रह जाओगे, बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो अब इसे गिनने का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको बताया एक एक टुकड़ों में कि इसमें तीन होते हैं, इसमें तीन होते हैं, जब आपको ये पता रहेगा तभी आप जान पाओगे हाँ सर ने बताया था ये अलग से माउंट हुआ है, अलग से हुआ, अलग से हुआ है। इस फिगर में हम डायरेक्ट गिन लेते हैं कि कितने होते हैं, तो डायरेक्ट गिन लेते हैं। कैसे गिनते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने आपके इसके सेक्टर निकले होते हैं सबको नंबरिंग कर देंगे और जो हाईएस्ट होगा उसका डबल कर देंगे, तो टोटल इसमें 16 आ जाएगा अंदर वाले फिगर में। उसके बाद से देखेंगे कि आपका जो ये फिगर है इसमें बाहर से जो कितने फिगर जुड़े हुए हैं, ये ट्रेंगल बाहर से जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा और ये जुड़ा। हम जानते हैं हर ट्रेंगल में जब यह ऐसा है तो हम आपको बता चुके हैं कि ऐसे इस ट्रेंगल में तीन ट्रेंगल मिलते हैं, तो तीन मिलते हैं तो मतलब तीन यहां से मिलेगा, तीन हमारा यहां से मिलेगा, तीन यहां से मिलेगा, तीन यहां से मिलेगा, मतलब 12 और मिलेगा, ठीक 12 ट्रेंगल और मिलेंगे, तो ये आपके हो जाएंगे 6, 7, 8, 28। तो ये 28 ही नहीं आंसर होगा, अब इसमें आपको हिडन ट्रेंगल ढूंढना है। हिडन ट्रेंगल ये जहां पे दो फिगर मिलते हो वहां पे कंबाइन होके एक ट्रेंगल बन जाता हो, जैसे आपका हम ढूंढे तो ये देखिए जब ये माउंट हुआ इस बेस पे तो इसके वजह से एक ये ट्रेंगल बड़ा वाला मिल गया, ऐसे ही इधर मिल गया, मतलब यहां पे दो मिला, ऐसे ही इधर दो मिलेगा, ऐसे ही इधर दो मिलेगा और इधर दो मिलेगा, तो ये कितना मिला, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक 8 ये मिल गए, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल इसमें बोलेंगे कि कितने हैं, 36 हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी फिगर यही रहेगा, कहीं कहीं से क्या करेगा फिगर आपका इसमें जो आपका ये मिल रहा है ये खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये जब मिल रहा है खत्म कर देगा, यहां से खत्म कर दिया और यहां से खत्म कर दिया, और आपसे आपसे पूछा कि नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने होंगे, तो आप जान रहे हो अंदर वाले में कितना होगा, 16 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 3 होगा, 3, 3, 6, 1, 7, 1, 8, तो 8 और जोड़ दो उसके बाद से, और हिडन ट्रेंगल जो होंगे वो क्या होंगे, 2 इसमें मिलेगा, 2 इसमें मिलेगा, 4, तो टोटल 16 प्लस 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 8 और ये 28, नंबर ऑफ ट्रेंगल इसमें हो जाएंगे 28। तो आपको देखना है कि कहां से कौन सी लाइन गायब हो रही है और कैसे आपको हिडन ट्रेंगल ढूंढना है, ठीक। तो आपका ये फिगर हो गया, नेक्स्ट आते हैं एक और फिगर पे कि कैसे करते हैं उसे। आपके सामने ऐसा फिगर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसा फिगर दिख रहा है इसमें आप 6, ठीक जितने भी सेक्टर हैं उसको नंबरिंग कर दिए, 6, 6 × 2, 12 हो गया, और ऊपर वाले पे कितना मिलेगा, इस पे 3 मिलेगा और दो फिगर कंबाइन होने पर मिलेगा, तो मतलब 2 और मिलेंगे, तो टोटल इस पे 5 मिलेगा, तो 12 और 5 टोटल 17 नंबर ऑफ ट्रेंगल हो गए। अगला आते हैं